दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, विवाह हेतु जो अनुदान होता है। ओके, अगर आपकी लड़की की शादी है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ पैसा मिले तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक वर्ल्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ उस वेबसाइट पर shaadianudan.upsdc.gov.in। ओके, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं किस तरीके से होते हैं वीडियो में बताऊँगा। साथ ही सबसे पहले नियम बता देता हूं आपको, रूल्स क्या हैं। ओके, इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगना है वो फॉर्म के साथ साथ बताऊंगा, लेकिन यहां पे जो समय अंतराल रहता है, टाइमिंग रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। टाइमिंग क्या रहती है दोस्तों, शादी के 3 महीने बाद तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी करने के बाद में इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, शादी करवाने की अपनी बेटी की, तो वहाँ पे वो जो अनुदान होता है उससे वंचित रह जाते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले नया पंजीकरण ऊपर मिल जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपको जाति दी गई है सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। ओके, जनरल एससी और एसटी के लिए ऊपर वाला फॉर्म भरेंगे, ओबीसी के लिए ये वाला फॉर्म भरेंगे, और माइनॉरिटी है तो नीचे वाला फॉर्म भरेंगे, यानी कि मुस्लिम वगैरह हैं या अल्पसंख्यक वर्ग में जो भी आते हैं वो नीचे वाला फॉर्म भरेंगे। फॉर्म सबके सेम है, कोई भी एक फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से फॉर्म जो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनका जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है कुछ इस तरीके से, जो फोटो रहेगा वो 1 KB से 20 KB के बीच का रहेगा, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स का PDF अपलोड करेंगे वो 1 KB से 40 KB के बीच का होना चाहिए। तो उसके लिए आप PDF कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं या मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है पुत्री की शादी की तिथि। ओके, ये कार्ड पे होनी चाहिए, जो डेट वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आपका पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट। ओके, नहीं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अर्बन है या रूरल है, शहरी है या ग्रामीण, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन अपना तहसील जो है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आवेदक का फोटो, यानी कि लड़की के पिता का फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, फिर लड़की का फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, फिर आवेदक का नाम, यहाँ पे लड़की के पिता का या फिर जो भी आवेदक है, जो भी आवेदन करना है उसका यहाँ पे नाम भर देना है। अगर लड़की का पिता नहीं है तो उसकी माँ भर सकती है, उसका भाई भर सकता है, किस तरीके से ये आपको मैं नीचे बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन पूछा जाएगा जब आपसे, यहाँ पे देखिए पुत्री का आवेदक के साथ संबंध, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है कि वो कौन है। आवेदक का नाम लिखिए, पुत्री का नाम लिखिए, फिर यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर, ये आधार नंबर जो आवेदन करता है उसका लगेगा, लड़की का नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म वर्ग, अपना वर्ग यहाँ पे जो भी कास्ट है वो चूज कर लीजिए। देन यहाँ पे जो अपनी जात है वो चूज कर लीजिए। फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको डालनी होगी, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो 2 फोटो हो गए, एक आवेदनकर्ता का, एक लड़की का, साथ ही साथ आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, लड़की का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र संख्या, ये सब कुछ हो गया। आगे यहाँ पे आधार कार्ड की कलर फोटोकॉपी अपलोड करें। ओके, तो यहाँ पे जो अपने आधार नंबर ऊपर डाला है आवेदनकर्ता का वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर आवेदक के पिता का नाम, जो आवेदन करता है अब उसके पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आवेदन का लिंक, उसका जेंडर क्या है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे पुत्री के पिता का क्या नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो आवेदन करता है वो विधवा या विकलांग तो नहीं है। ओके, तो यदि नहीं है तो कोई भी नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पुत्री के साथ संबंध क्या है आवेदनकर्ता का वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी नहीं है फिर भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में शादी जिसके साथ हो रही हो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है, वर्ग का नाम, जो भी लड़का है उसका नाम डाल दीजिए। फिर उसका पूरा पता उसके आधार कार्ड को ले लीजिए, वहाँ पे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पुत्री की जन्मतिथि, यहाँ पे पुत्री का जो है, लड़की का जो है आधार कार्ड अपलोड कर देना है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आयु वर्षों में जिस तिथि को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में जो है उसकी आयु कितनी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे शादी के सत्यापन का प्रमाण क्या है। ओके, शादी का कार्ड है या शादी का प्रमाण है। ओके, शादी का कार्ड पे आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे वर की आयु, जो भी लड़का है उसकी आयु क्या है वो यहाँ पे लिखिए। फिर शादी का कार्ड यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। आगे बढ़िए, फिर आवेदक पेंशनर है या नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ आपको फिलअप कर देना है। जो भी आवेदन करता है उसको कोई पेंशन तो नहीं मिल रही तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लाभ जिस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं उस अकाउंट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना होगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम लिखिए, और ये जो है आवेदनकर्ता का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, मतलब उनसे रिलेटिव किसी का होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे आपको बैंक का नाम डाल देना है, बैंक की शाखा कौन सी है, IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाता संख्या सही से डालें। फिर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जो है यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ओके, उसके बाद में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछा गया, ऊपर लिखा गया कोड टाइप कीजिए। ओके, तो ये कोड आपको यहाँ पे नीचे डाल के जमा करें पे क्लिक कर देना है। तुरंत आपको एक प्रिंटआउट मिल जाता है, जिस प्रिंटआउट को आपको जमा करना होता है,
किस तरीके से, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको लिखे यहाँ पे दिखाई देता है संपर्क संपर्क स्रोतों के, तो जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ये मिल जाता है किनको आपको ये फॉर्म देना है। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद में पता कर लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ जमा करना है। फिलहाल के लिए आपको जाना पड़ेगा समाज कल्याण विभाग में और वहाँ पे इस फॉर्म को जो है दे देना होगा, वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको एक रिसिप्ट भी दे दी जाएगी जिसकी स्थिति आप चेक कर सकते हैं और विदिन 15 डेज आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कीजिए। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था वो डाल के सर्च कीजिएगा तो आपकी स्थिति जो होगी फॉर्म की वो ये बता देगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि नई वीडियोज नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप PDF जो है कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतना कम साइज में उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।